नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल बालाचडी के जो रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो जो भी बच्चे गुजरात से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने सैनिक स्कूल बालाचडी जामनगर के लिए अप्लाई किया था क्लास 6 और क्लास 9 के लिए, ये वीडियो उनके लिए है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। आपको क्या करना है, ध्यान से अपने बच्चे का रोल नंबर ढूंढना है। तो यहाँ पे 6th क्लास का जो रोल नंबर है वो आप देख सकते हैं, अलग 5 5 से स्टार्ट होता है और जो 9th क्लास का रोल नंबर है वो 8th क्लास से। तो जो भी है वो आप देख लीजिए, क्योंकि आपके पास रोल नंबर है तो आपको क्लास 6 और क्लास 9 के रोल नंबर की जानकारी अच्छे से है। इसके अलावा आपको सुबह 6 बजे इनवाइट किया जा रहा है, 20 फरवरी से लेकर के। आपको समझना है कि जो आपका मेडिकल है वो कब होगा, आपका जो मेडिकल है वो कंडक्ट किया जाएगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, 24 फरवरी से, यानी मंडे से लेकर के 29 फरवरी यानी सैटरडे तक, यानी एक हफ्ते के अंदर पूरा आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा क्लास 6 और क्लास 9 का। तो आप लोगों को एक्टिव रहना है ताकि कहीं पे भी गलती से भी, और जो भी आपको डेट मैंने बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगा टाइम और कहाँ पे पेपर देना है। आपका मेडिकल कहाँ पे होगा, सुबह 6 बजे आपको पहुंचना है। कहाँ पे पहुंचना है, मिलिट्री हॉस्पिटल जामनगर में आपको पहुंचना है। तो मिलिट्री हॉस्पिटल जामनगर, सशस्त्र इन्फेंट्री लाइंस, पवन चक्की रोड जामनगर में आपको पहुंचना है और अपने बच्चे का समय से मेडिकल कराना है। अब सवाल ये आता है कि किन किन बातों का ध्यान देना है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये सारे वन बाय वन जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपके बहुत काम के हैं। और जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जो 4th पॉइंट बताया गया है, रिटर्न और मेडिकल फिटनेस के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो डिक्लेयर की जाएगी। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि जो लिस्ट में नाम आया है इसके बाद मेडिकल भी होगा, और मेडिकल के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आपको मिलिट्री हॉस्पिटल जामनगर सुबह 6 बजे टाइम से पहुंचना है और अलग अलग रोल नंबर को अलग अलग डेट्स पे बुलाया जाता है, ताकि कोई भगदड़ ना मचे, भीड़ भड़ाका ना मच जाए, ताकि पेपर देने में, मेडिकल कंडक्ट करवाने में दिक्कत ना आए। इसके अलावा 7वां पॉइंट क्या दिया गया है, पेरेंट्स और गार्जियंस ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल रिपोर्ट ऑन डेट एंड टाइम। मतलब आपको क्या करना है, आपको टाइम से पहुंचना है, और जो भी बच्चे मेडिकल पे टाइम से नहीं पहुंचते हैं तो आप ये मान के चलिए कि फिर दूसरे बच्चे को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा और उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी जो वीडियो थी वो किसके लिए थी, ये गुजरात जामनगर वालों के लिए थी। तो जिन बच्चों ने सैनिक स्कूल बालाचड्डी के लिए अप्लाई किया था, ये वीडियो उनके लिए थी। आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है व्हाट्सएप पे उन पेरेंट्स के साथ जिन्होंने सैनिक स्कूल क्लास 6 और क्लास 9 का फॉर्म भरा था, पेपर दिलवाया था। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपको जल्दी से जल्दी क्या करना है, आपको जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, और अगर अभी तक आपने हमारा स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से जल्दी स्कॉलरशिप फॉर्म भरिए, ताकि आपको हमारे स्कूल में फ्री पढ़ने का मौका मिले। 7419998928 पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आता हूं, अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप डायरेक्टली लाइव आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।